ब्लॉक करते हैं या जोन ब्लॉक नहीं करते हैं। इस टीम के पास एक भी गाड़ी नहीं है, दिस इज समथिंग जो कि हमारी टीजी स्क्वाड है आराम से भाग रही है। दे आर लाइक रनिंग टू फाइंड अ कार और अ प्लेस या फिर कोई एरिया जो कि जोन के प्रॉपरली बीच में हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। प्रॉबली ये एरिया होल्ड कर सकते हैं अगर ये एरिया जोन के अंदर आता है। राघव को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो उसके पास गन्स भी नहीं दिख रही है, मुझे नहीं लग रहा कि he has any sort of gun on him right now। खराब लगा, काफी ज्यादा खराब लगा, बट स्टिल नेवर्थलेस अभी फाइट नहीं हो रही है, सो अभी तो दे कैन काइंड ऑफ चिल। एंड इनके टीममेट्स मे भी इनको एक गन दे दे तो ज्यादा अच्छा हो सकता था, बिकॉज उसके पड़ोस वाली जो उसका टीममेट रमेश है उसके पास भी गन नहीं है, he has a pen and pistol as well. So, अगर in case इन लोगों के ऊपर कोई टीम आ जाती है, damn, they are in a real bad trouble. इसके साथ रमेश को यहाँ पे गन मिल चुकी है, उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली कि भाई एक गन दे दे। एग्जैक्टली यही चीज होनी चाहिए थी, अदरवाइज तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। कोई भी गन नहीं होती तो बहुत खराब सिचुएशन हो सकती है। वो दो अगर गन वाले मर गए किसी टाइप से नॉक हो गए तो बिना गन वालों के पास पैसिव खेलने के वो तो रिवाइव तक नहीं देने आ सकेंगे, बिकॉज उनके पास कोई चांस नहीं होगा। एंड दिस आर हाइड्रा के ब्लोड करने बैठ जाता हूँ, मेरी भी यही आदत है, मेरे साथ और वो चीज बहुत दिक्कत करेगी यहाँ पर। अगर किसी ने कर दिया तो वो रिलोड नहीं हो पाएगा। यहाँ पर टीम नंबर 13 टीजी रमेश कौन आराम से, बट उनके टीम के प्लेयर्स भी पीछे ये वो लोग हैं जिनके पास कोई भी गन नहीं है। एंड इनके जस्ट सामने यहाँ पे डीजीएम सेट के प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक किल अपने लिए सिक्योर कर लिए, प्लस ये लोग ऑलरेडी थ्री मैन स्क्वाड खेल रहे थे एंड इनके एक प्लेयर ऑल मेल्टर आराम से देख रहा है। स्मोक एक्चुअली शॉट्स दे सकता है, मेल्टर ने शॉट्स लिया, मेल्टर के ऊपर ज्यादा शॉट्स है लेकिन मेल्टर की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, मेल्टर को किसी भी तरीके से हील करना है। स्मोक का आइडिया ये निकलेगा, बहुत गलत आइडिया है भाई, यहाँ पर आप नॉक हो सकते हैं इजीली, लेकिन अरे बच गए। स्मोक ने जो डैमेज दिया उसके बाद ये गलत बहुत गलत हुआ। यहाँ पर टीजी की स्क्वाड मूव करती है, डी गेमर्स बहुत अर्ली में ये फाइट खत्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली डी गेमर्स हैज बीन एलिमिनेटेड ऑन 20th के साथ हमारी पहली टीम एलिमिनेट हो चुकी है जो है डी गेमर्स की। एंड इसी के साथ टीजी को फाइनली जाके लूट मिल गई, गन्स मिल गए, दे आर इन अ बेटर पोजीशन देन जो उनका इनिशियल। एनीवेज दिस वाज अ गटी मोमेंट बिकॉज यहाँ पे इनके कुछ प्लेयर्स के पास गन्स तक नहीं थी। Exactly, and this is our zone. As you guys can see, we can see VN on in Primorsk, and we can see people in military base, वगैरह. But then, almost ये हमारा center zone ही है, सारी चीजें इसके अंदर cover हो रही है. लेकिन saving their vehicle for now, and वो यहीं पे hold करेंगे. यहाँ पे as I can see, TG की fight हो रही है with हमारी team 14, that is 4MB and 4MB के प्लेयर ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं। मैग्नेट को हमने पहले भी देखा था, वो काफी लो ऑन हेल्थ थे एंड वापस अभी देखा तो इस बार तो वो नॉक भी हो चुके हैं। ओ अरे रमेश भाई नहीं, टीजी का किल चुरा लिया गया, आइस वेजिटा ने उनका किल ले लिया। आइस वेजिटा ने पीछे से M24 का शॉट मार के इनका किल ले लिया, ये स्प्रे करते रह गए यहां पर, दैट वाज समथिंग। अरे दैट इज रियली बैड, मतलब करे हम भरे कोई और। खराब लगा मुझे टीजी के लिए यहां पे, यहां से इन्होंने यहां से गोलियां मारी टीम उन्होंने आइस वालों ने एंड आराम से किल ले लिया। दैट इज सो बैड। अरे बट पोचिंकी की फाइट्स आ चुके हैं बिकॉज़ इट्स विजिबल, बट यस एट दैट टाइम इट वाज नॉट। एंड लुक एट दिस बग्गी कह रहा हूं, जो पुरानी यू नो विंटेज कार थी उनकी, वो उसकी हालत भी विंटेज हो चुकी थी इस टाइम। दैट वाज समथिंग रियली रियली बैड। एंड यूजीएस के प्लेयर्स बहुत तगड़े तरीके से यू नो टीएफएफ को खत्म करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड यहां पर एग्जैक्टली एक और टीम आ चुकी, टीम 24 भी आ चुकी है। बहुत कहां रुक रहे हो भाई, एक घर के क्या प्लॉट खरीद रहे हो इस घर के अंदर, कितने लोग हैं यहां पर। टीम 24 इज हियर, टीम 13 के प्लेयर नीचे आ चुके हैं। आई कैन एनी गोइंग डायरेक्टली, दिस इज हैपनिंग, ओएमजी, ये चीज का मेरे को रिप्ले चाहिए इफ एनीथिंग हैपेंस। ये प्लेयर इस प्लेयर के पर्सपेक्टिव से अगर रिप्ले देखने को मिल सके, ये तो क्या तरीके से घुसा भाई, ग्रेजुएट्स ऑफ मर्डर थे, ग्रेजुएटेड दोनों एक एक करके गाड़ी लेके डायरेक्ट अंदर घुस गए। एक चीज थी हैरी पॉटर या हॉगवर्ट्स की टीम थी, उससे बोलो प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के अंदर जा रहे थे, सीधा डायरेक्टली अंदर गाड़ियां लेकर, क्या चल रहा था ये। बट यहाँ पे अभी थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है क्योंकि टीम 8 के प्लेयर आराम से बैठे हुए, ही डिडंट गिव अ सिंगल स्टेप, वो अभी सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट के लिए आगे जा रहे। We are down to top 11 teams. अभी एक भी प्लेयर एक भी टीम खत्म होती है, सिक्स जोन हो रहा है। जोन के अंदर the teams are 11, 15, 22, 16. Veterans has been eliminated. We are down to top
10 टीम्स, वॉर काइनेटिक बहुत प्यार से बहुत आराम से बैठे हुए, एक भी फुटस्टेप नहीं देना चाहता, बिकॉज फॉर हिज टीम इट्स अ डू और डाई सिचुएशन राइट नाउ, और इज इट नॉट? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज टीम 8 के बाकी प्लेयर्स अभी भी दूर हैं, दे आर आउटसाइड द जोन, दे आर नॉट इन द जोन. फैंटास्टिक फोर हैज बीन एलिमिनेटेड, 9 टीम्स बचती हैं, ईसीएस यहां पर है, टीजी यहां पर है, जीरो इनके पीछे वाले घर के अंदर है, एंड वॉर काइनेटिक भी यहां पे. अब काफी डिफिकल्ट सिचुएशन हो चुकी है, जो जोन शिफ्ट हुआ है, जो जोन ने चकमा दिया है, जो इनको बेवकूफ बनाया, काट लिया है, जो बोलना चाहे वहां पे ये बोला जा सकता है, उनने काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया, क्योंकि एक्सर की टीम जस्ट उनके पास है, ईसीएस है, देन टीजी है, इनमें से जो भी बंदा पहले निकल के जोन की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा, ही इज अ गॉनर, उसके ऊपर सारे लोग एक साथ स्प्रे करेंगे, एंड इट्स गोना बी अ रियल रियल बैड. अब ये देखना मेरे को, अगर ये लोग वॉर के प्लेयर को अगर इग्नोर करके आगे जाते, काइनेटिक को इग्नोर करके आगे ही उतरते और काइनेटिक इकट्ठा ले ले, यहाँ पर दिस इज द फाइट. फंक ओपी प्रोबेबली वुड वांट टू टेक डाउन पीपल, यस ही इज टेकिंग डाउन पीपल, वो ये नहीं देख रहा कि वो उसकी हेल्थ कम है, वो प्लेयर्स को डाउन करना चाहता था, खुद भी मर रहा है, बट देन एक और प्लेयर को जो कि प्ले जोन से जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड उसी का किल होगा. अरे यहाँ पर प्लेयर्स खत्म हो रहे हैं, करंटली इट्स रियल रियल बैड पोजिशन, क्योंकि जो ऑलरेडी अपने लिए होल्ड कर चुके हैं कंपाउंड्स, वो तो चलो सिक्योर है, लेकिन जो टीम्स अभी ओपन में है उनके पास ऑल्दो हायर ग्राउंड है, लेकिन उनको अब जोन के अंदर आते हुए काफी डिफिकल्ट होगा. एग्जैक्टली, एंड यहां पर शान का यहां पे मेरे को लग रहा है गलत मूव हो सकता है, बिकॉज ही वेंट इन टू ओपन, आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट ओनली, एंड Okay, but they are outside the zone, so they have need to move, but उनको ये भी देखना है, बब जैसे ईसी ऐसे ये स्मोक करके जाना चाहती है, ये लोग प्रॉपरली ऐसे खुले खुले में जा रहे हैं, एक्जैक्टली स्पॉट हो सकता है, स्पॉट हुए भी उनके ऊपर स्प्रेस आए हैं, वही चीज दिक्कत कर सकते हैं, स्मोक किया बट ये बहुत लेट स्मोक निकला इनका और बहुत दूर स्मोक निकला. अरे बट नेवरदलेस TC के प्लेयर्स, एज वी वर टॉकिंग, इनको जितना मर्जी नॉक दे दो नॉक लेते रहेंगे, यू आर टेकिंग दीज नॉक्स, बट देन दे वॉन्ट टू कम आउट स्ट्रॉन्गर, वील हैव टू सी कितना स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं. निकी बहुत प्यारे तरीके से कार 900 का एक शॉट यूज किया, जीरे के प्लेयर्स पीछे से इनको यू नो हेल्प कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को पीछे वालों को आगे मूव करने के लिए, बट देन जीरे हीरो हैज बीन एलिमिनेटेड राइट नाउ, सो इट्स डाउन टू जस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ जीरे. निकी इज इन अ बैड स्पॉट, एक्जैक्टली आई वाज टॉकिंग, बिकॉज वो डाउन हो जाएगा आराम से. टीजी राघव ने जीरे निकी को डाउन किया, जीरे निकी अब मूव भी नहीं करना चाहेगा, बिकॉज वो आराम से रहना चाहता है, अपने प्लेयर्स का लोकेशन नहीं देना चाहता कुछ भी करके. लेकिन हमारा यहाँ पे 7 सर्कल चालू हो चुका है, एंड अभी भी यस, एंड वॉरहेड लुक वॉर काइनेटिक, उन्होंने यहाँ पर स्मोक किया, कुछ तो किया बट वो निकलना चाहता है, बट लोगों को पता चल चुका है यहाँ पर वॉर काइनेटिक का गेम यहाँ पर खत्म हो सकता है, जोन से खत्म हो जाएगा. कैन टेल यू, आई कैन एश्योर अबाउट इट, बिकॉज काइनेटिक इज अबाउट टू डाई राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग. यस, प्ले जोन से 6 पोजीशन पर आते हुए वॉरहेड, उन्होंने वो एलिमिनेट हो चुके हैं, बट देन टीजी स्क्वाड हैज आल्सो बीन एलिमिनेटेड, ईसीएस हैज बीन एलिमिनेटेड, वी आर ऑन द टॉप 3 टीम्स. 3 टीम्स क्या निकाल पाएंगे इस गेम को, ही इज डाउन अगेन, 2 प्लस टीम 11 के डाउन हो चुके हैं. शान बचता हुआ, शान को देखना पड़ेगा वो रिवाइव दे या ना दे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. शान इज स्प्रेइंग, बट ये स्प्रे कितना नहीं, टीम इनफेमस वन दिस मैच. Congratulations guys, बहुत ही प्यारा गेम प्ले था उनका, बंदा राइट मोमेंट बैक ऑफ करा, अपने टीममेट्स को बचाया, उन लोगों ने मैन पावर भी रखा एंड साथ ही साथ स्ट्रेटेजी भी करा, हम लोगों को पूरे टाइम एक चीज देखने को मिली, बट देन आई वुड वांट टू सी वन मोर टाइम वो बाइक डायरेक्टली बाना उसके अंदर घुसी वो तो, और अंदर घुसते बाद उतरने से पहले लोग आपस में एक दूसरे पे स्प्रे कर रहे थे, फिर सारे स्प्रे उसी बंदे के ऊपर आ गए, एंड बाइक रुकी भी नहीं, बाइक अगर आगे का दरवाजा खुला होता बाइक इधर से जाती उधर से बाहर होती, बट देन बाइक बीच में ही खत्म हो गई. दैट वाज सम अमेजिंग थिंग दैट हैपेंड एक्चुअली. डबल बाउंसेस ऑफ पूछिंग की वो फाइट तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, बट देन उसके अंदर 4 स्क्वाड थी, एंड में तो एक स्क्वाड निकली, बट देन वो बहुत प्यारे तरीके का फाइट. वहां पे मुझे टीजी के लिए काफी बुरा लगा, वो लोग बार बार नॉक हो रहे थे, उनके ऊपर टीम आ रही थी, ऑल्दो उन लोगों का किल भी एक बार चोरी हुआ है, जैसे कि आपने बोला था आइस ने उनका किल चोरी करा था, आइस से याद है उनके लिए भी काफी ज्यादा खराब लगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जिस तरीके से हमारे स्नेक ने वहां पे भाई किया, सो हमारी बॉटम 20 से 11 तक जो टीम्स है वो है. And then for the top 10 teams, we have AJed on 10th, Deadly Thumb Esports on 9th, Warhead on 8th, the Fantastic Four that had 8 kills and unke pehle 10th position par tab wo 7th par aa chuke hain. Ice is out here, team ECS as I was talking, wo hai 5th position pe. The top 4 teams are TG Squad, TNT Official, Zire Esports and Team Infamous. 33, 27, 24, 23 aur you are going in the next round, jo ki yahan par ye 4 squads hamari aage ja rahe hain. So it was really really amazing. Ab hame ye dekhna padega ki MVPs wagera kaun bante, बिकॉज हर टीम के साथ साथ 8-8 किल्स हैं, हर टीम जो टॉप 5 तक है, टॉप हमारा फेस ऑफ्स भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारी टीम्स ने किल चोरी करा है, डैमेज किसी और ने दिया, तो मुझे ये देखना है कि जो एमवीपी पे बंदा है उसका डैमेज एग्जैक्टली निकलता कितना है.
आई होप सो कि उनका अच्छा निकले, बिकॉज जिन्होंने किल चोरी करा तो आखिरी एक M24 का शॉट मारा, बाकी सब स्मोक में ढूंढते रहे, वो मर गया उसके बाद भी लोग स्मोक में स्प्रे कर रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ पर है वो, लाइक दैट थिंग वॉज हैपनिंग. So, वो सब चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा. अपने पोजीशन के लिए खेल रहा था, फिर हमने देखा कि टीम नंबर 24 के प्लेयर्स ने यहाँ पे रश किया और गाड़ी सीधा के सीधा ठोक दी, और टीम 13 को कुछ नहीं करना था, उनको बस जो बंदे आ रहे थे उनको मारने थे. तो मामला यहीं तक नहीं रुका, हमें लगा कि चलो ठीक है अब आगे कुछ नहीं होने वाला, फिर देखते हैं कि और दो प्लेयर आ गए. तो ये इंटरेस्टिंग गया, हमारा जो नोवा था उसने डायरेक्ट ही अंदर रश कर दिया, लेकिन यहाँ पे फिर से टीम 13 को फायदा मिला, और टीम 13 को बस करना क्या था, उन पे प्लेयर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, और यही हम देखा. तो काइनेटिक ओपी यहाँ पे इनके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जब दो टीम आपस में लड़ रही थी बैक टू बैक रश हो रहे थे, काइनेटिक ओपी ने अपनी पोजीशन मेंटेन रखी और अपनी जगह से हिले तक नहीं, और इसी के साथ टीम 13 को फ्री में काफी किल्स मिल गए. और